गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास UKG हिंदी स्वर उत्सव नामक पुस्तक से चैप्टर 16 आह की मात्रा के बारे में बताएंगे। इसके पहले आपको अंग की मात्रा करवाया जा चुका है। चैप्टर 16 आह की मात्रा, आ प्लस आह, आह ये प्रातःकाल का दृश्य है। प्रातः काल यहाँ नमस्कार कर रहा है तो नमः। ये लड़का बहुत दुखी है, चेहरे से लग रहा है कि ये इसको बहुत दुख है तो दुखी। आहा आहा, छह छिह, दुखक, पुनः, अतः, अधः, नमः, प्रातः, प्रायः, शनैः। आ पर अनुस्वर ता, ता प्लस अह की मात्रा, अंततः, क्र म श आह की मात्रा, क्रमशः, नी आह की मात्रा, संकोच, निसंकोच, निसहाय, फलतः, मूलतः, अक्षरशः, अंतःकरण, दुस्साहस, निसंदेह, संभवतः, साधारणतः। यहाँ बोलकर पढ़िए और समझिए। इस पैरे को हमें बोलना है, बोलकर पढ़ना है, उसको समझना है। अशोक प्रातः काल 5 बजे उठता है। उठकर माता पिता को प्रणाम करता है। वह प्रातः सैर करने जाता है। 6 बजे नहाता है। ओम नमः शिवाय का जाप करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है। फिर क्रमशः अपना पाठ याद करता है। वह बड़ों की आज्ञा का अक्षरशः पालन करता है। फलतः वह परीक्षा में सफल होता है। वह कभी दुस्साहस नहीं करता है। वह निसहाय की सहायता करता है। कभी किसी को दुख नहीं देता है। प्रायः लोग ऐसा नहीं करते। फलतः वे दुख उठाते हैं। प्रायः लोग भगवान को भूल जाते हैं। निसंदेह उससे बड़ा कोई नहीं है। वह पुनः पुनः हमारी सहायता करता है। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। पहला, विसर्ग लगाकर इन शब्दों को ठीक करके लिखिए। फलत में आह की मात्रा लग गया है, विसर्ग फलतः। प्रात में विसर्ग लगाकर प्रातः। निसंदेह में नि विसर्ग लगाने के बाद निसंदेह। अतः, नमः, अंततः, प्रायः, दुख, निसंकोच, इस तरह से वाक्य बनाए गए हैं। दूसरा, उचित अक्षर पर विसर्ग का प्रयोग करके ठीक शब्द लिखिए। यहाँ विसर्ग का प्रयोग गलत रूप से हुआ है, इसको हम शुद्ध करके लिखते हैं अंततः।
ये प्रायः गलत है, यहाँ प्रायः, ये भी रॉन्ग है प्रातः, ये शब्द रॉन्ग है यहाँ फलतः, रॉन्ग है अशुद्ध रूप अतः, इसका शुद्ध रूप पुनः। अब यहाँ इसको आप इसी तरह से अपने आप करिएगा। निसंदेह तीसरा सुलेख लिखिए, ये इसको देख करके आपको खूब अच्छी राइटिंग में सुलेख लिखना है। इसे आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, यहाँ तीन लाइन है, इन तीनों लाइनों में इनको आपको लिखना है। आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।